हेलो एवरीवन, दिस इज योर टीचर संजीव कुमार। और आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 5 देख रहे हैं। देखो, अभी तक में हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़े थे, है ना। उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम था वो सब का टाइप सिखाए थे। कुछ क्वेश्चन तुम लोग जो पूछे थे उसको भी बताए थे, आगे भी बताएंगे। आज जो है तुम लोगों को सबसे पहले पढ़ा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, देखो जब भी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना तो याद करो एडिशन में क्या बताया गया था, कि एक के हेड में दूसरे के टेल को कनेक्ट करना। जैसे मान लो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तुमसे कहा गया कि बतलाओ ए माइनस बी क्या होगा, है ना। ए माइनस बी क्या होगा, देखो तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ए प्लस माइनस बी, यानी इनडायरेक्ट वे में ये सोचो कि तुमको ऐड करना है ए में किसको, माइनस बी को। तो सोचो ये अगर वेक्टर बी है तो माइनस बी का मतलब क्या हुआ, याद करो जब कोई भी वेक्टर के आगे माइनस लग जाता है तो इसका मतलब होता है उसका डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। यानी वेक्टर बी इधर है तो ये तय है कि माइनस बी जो वेक्टर है वो इधर डायरेक्टेड, है ना। माइनस बी इधर डायरेक्टेड होगा। देखो ये है वेक्टर ए, ये बी है और ये कौन वेक्टर हो गया, माइनस बी। ए में ऐड करना है किसको, माइनस बी को ऐड करना है ना। देखो ये वेक्टर बी, इसी को रिवर्स कर दिए, उल्टा कर दिए। अब तुम माइंड में ये मत सोचो कि हमको ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तुम ये सोचो कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर कौन है, माइनस बी, और ए में ऐड करना किसको है, माइनस बी को। तो याद करो तो तुम जो पहले पढ़े हो कि जैसे अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा, तो चलो बी को यहां ला दिए क्योंकि ए के हेड में बी के टेल को कनेक्ट कर दिए। इसी को ना हम लोग एडिशन बोलते थे ए प्लस बी। याद करो इस रिजल्टेंट का वैल्यू, इस एडिशन का वैल्यू, आर का वैल्यू निकालते थे हम लोग कैसे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। मतलब कि अगर ए में बी को ऐड करना हो तो जो रिजल्टेंट आता है दोनों को ऐड करने के बाद जो तीसरा वेक्टर आता है वो क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है, तो पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या उसका स्क्वायर करो, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसके अलावा एक और टर्म का जरूरत पड़ता है वो है थीटा। बोलो यहाँ थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना, ए और बी के बीच का एंगल है। लेकिन यहां मुझे ऐड करना है ए में किसको, माइनस बी को। तो ठीक है ए का तो मैग्नीट्यूड ए ही होगा, और माइनस बी बोलो चाहे प्लस बी बोलो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं होता, फर्क क्या चीज का होता है, डायरेक्शन में। अगर बी इधर है तो माइनस बी इधर होगा। अब यहां पे चूंकि ए में बी को ऐड करना था तो एंगल हम लोग ए और बी के बीच का देखे, तो यहां पर ए में माइनस बी को ऐड करना है तो एंगल मुझे किसके किसके बीच का देखना पड़ेगा, ए और माइनस बी के बीच का एंगल। तो बोलो तो इस फिगर में ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है, तो सोचो अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, बोलो ये 180 माइनस थीटा होगा क्या,
है ना, यानी कि अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, देखो डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम वेक्टर एडिशन, एडिशन का जो रूल है उससे हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी तो बी ही होता है, प्लस टू ए का मैग्नीट्यूड तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बी, कॉस ए और माइनस बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल नहीं, ए और माइनस, तो बोलो तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है क्या? ये जो एंगल है 180 माइनस थीटा होगा, तो यहां पे हम लोग लिख दिए 180 माइनस थीटा। देखो तो ये कितना आ गया, आर का वैल्यू कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? तो देखो ये फॉर्मूला याद रखना, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा वो साइन थीटा होता है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री में सीखे होगे या सीखोगे तत्काल इसको याद रखो। तो बोलो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो जाहिर है यहां माइनस आ गया, यानी देख लो जी तुम जो एडिशन पढ़े थे तो एडिशन में जो फॉर्मूला आया था वो थोड़ा सा चेंज हो गया, जहां प्लस 2ab cos थीटा था वहां क्या आ गया माइनस 2ab cos थीटा, है ना। लेकिन अगर तुमसे कोई कहे कि a प्लस बी जब निकालना होता था तो b के टेल को यहां लाते थे, इसको बोलते थे a प्लस बी, इस फिगर में a माइनस बी कहां है, ठीक ना, ए माइनस बी को ही आर बोले हैं, कोई पूछे कि इस फिगर में आर किधर है तो बोलेंगे एक काम करो ए का जो हेड है उसमें माइनस बी के टेल को ऐड करो, है ना। देखो ये माइनस बी है, इसके टेल को यहां ले जाओ, और इसी को हम लोग रिजल्टेंट बोलेंगे, आर बोलेंगे, और इस आर का मतलब ए प्लस भी नहीं है, इस आर का मतलब क्या है ए माइनस भी, यानी कि हम लोग ये जो वैल्यू निकाले, जैसे मान लो अगर ए है 3 मीटर बी है 4 मीटर, तो ए माइनस बी अगर तुमसे कोई पूछे कितना होगा तो बोलेंगे बस इसका लेंथ निकाल लो, यही हो गया ए माइनस बी, और निकालने का क्या फॉर्मूला है समझ गया। फिर एक बात याद करो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स जब बतलाए हैं तो वहां पे तुमको सिखाए कि अगर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, अगर ये पता करना हो तुमको तो टेन अल्फा निकालेंगे कैसे, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग डिराइव किए हैं। तो देखो आर और ए के बीच का एंगल को हम लोग अल्फा बोले हैं, यहां भी देख लो ये वेक्टर आर है और ये वेक्टर ए है, अगर तुमसे कोई पूछे कि अल्फा क्या होगा तो बोलेंगे देखो फॉर्मूला तो यही रहेगा, फर्क केवल ये होगा कि जहां थीटा लिखते थे वहां क्या लिख देना है 180 माइनस थीटा, नया तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि हम लोग ए प्लस बी निकालते थे तो ए और बी के बीच का एंगल देखते थे, और ए और ए माइनस बी जब निकालेंगे तब किसके किसके बीच का एंगल देखेंगे, ए और माइनस बी के बीच का एंगल देखेंगे, यानी कि फॉर डायरेक्शन टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, थीटा के जगह 180 माइनस थीटा, ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो देखो तो टेन अल्फा कितना हो गया, साइन 180 माइनस थीटा देखो साइन थीटा होता है, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ना। चलो ये तो हो गया, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स जब भी कैलकुलेट करना हो तो क्या मेथड है कि
दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए, दोनों के बीच का एंगल मालूम अगर थीटा है तो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो यहां क्या पुट कर देते हैं 180 माइनस थीटा, और फाइनली जो रिजल्ट आता है अगर थीटा के टर्म में रिजल्ट देखें तो देखो रिजल्ट यही आएगा, इस सबट्रैक्शन का फॉर्मूला हुआ, और जो अल्फा है एंगल बिटवीन हो गया वेक्टर आर यानी जिसको ए माइनस बी बोले और वेक्टर ए के बीच। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग इसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे तुमसे कहा गया क्वेश्चन में कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का, है ना। इसी को ऐसे बोलेगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ दिस टू वेक्टर्स, ठीक ना, दोनों का जो सम है उसके डिफरेंस के इक्वल है। एंड ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन तुमसे कहा गया ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के इक्वल है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक ना, ए और बी के बीच का एंगल निकालना। देखो जी कह रहा है कि दो वेक्टर को हम ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें वो इक्वल ही आना चाहिए। सोचो, थोड़ा सोचने में उल्टा पुल्टा नहीं लगता है कि तीन में चार को जोड़ें चाहे माइनस करें एक ही आ जाए, तो ये अलजबरा में तो कभी पॉसिबल नहीं है लेकिन वेक्टर में पॉसिबल है। कैसे, थोड़ा देख लो। जैसे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो बोलेंगे ना ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, है ना, थीटा जहां a और b के बीच का एंगल है, और a माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। अभी पढ़े हो ना फॉर्मूला, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला, ए प्लस बी के, तुमसे पूछा जा रहा है थीटा कितना होगा। देखो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सोचो स्क्वायर करोगे तो रूट तो गायब हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। देखो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर कट गया, इसको इधर लेकर के जाते हैं तो फोर ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, बोलो कॉस थीटा जीरो, थीटा क्या आ गया 90 डिग्री, है ना, कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है। देखो ये रिजल्ट क्या कह रहा है इसको बढ़िया से समझो। अगर मान लो वेक्टर ए जो है वो 3 मीटर है, वेक्टर बी जो है वो मान लो 4 मीटर है, तुमसे कहा गया ए प्लस बी क्या होगा, तो चलो बी को हम लोग यहां ला दिए और इसी को ना हम लोग बोलते हैं ए प्लस बी। बोलो ये हो गया ए प्लस बी, तो थोड़ा सोचो ना कॉमन सेंस से, ये 3 मीटर ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर हुआ क्या, तो ये 3 ये 4 तो ये 5 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए कि नहीं। अब चलो a माइनस बी देखते हैं, तो देखो b इधर है तो माइनस बी किधर होगा, तो माइनस बी जाहिर है इसके अपोजिट होगा, है ना, और b 4 मीटर है तो जाहिर है माइनस भी क्या होगा 4 मीटर होगा, डायरेक्शन भले अपोजिट होगा मैग्नीट्यूड तो वही ना होगा। और ए के हेड में ऐड किसको करना है, तो माइनस बी के टेल को, तो चलो एक काम करो इस माइनस बी के टेल को, अब देखो जी ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर होगा क्या, तो ये हो गया a माइनस बी,
देखो ए में ऐड किए माइनस बी को, तो जो मिला उसको क्या बोलते हैं, माइनस बी। और ए में ऐड किए बी को, देखो ये बी था तो मिला ए प्लस बी। थोड़ा कॉमन सेंस से सोच के देखो तो ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 5 होगा कि नहीं। यानी इससे हम लोग सीखे कि ए और बी के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री लोगे तो ए में बी को चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट जो है वो सेम आएगा, है ना। रिजल्ट दोनों केस में तुम्हारा जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। अब इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो है इसी में अब तुमको आगे सिखा रहे हैं। देखो जी, वैसे तो एडिशन का प्रॉब्लम और सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम एक दूसरे से बहुत अलग नहीं होता, ठीक ना। अप्रोक्सीमेटली जो है वो दोनों का मेथड तो एडिशन में ऑलरेडी ढेर सारा क्वेश्चन तुमको कराए हुए हैं। एक चीज याद रखना, जब भी सब्ट्रैक्शन वर्ड ना यूज करके तुमसे अगर यूज किया जाए डिफरेंस ऑफ दिस टू वेक्टर्स या डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तब तुम समझ लेना कि तुमसे बात क्या चीज का किया जा रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का बात किया जा रहा है, ठीक ना। सम का बात किया जाए तो समझ लेना एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का बात किया जा रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन हम तुमको थोड़ा सा हल्का ट्विस्टेड करके दे रहे हैं, इसको समझना। जैसे तुमसे कहा गया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स का नाम मान लो ए एंड बी दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। इज अ यूनिट वेक्टर। अब चलो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है यूनिट यूनिट वेक्टर क्या बोलने लगे हम। देखो यूनिट वेक्टर में बहुत दिमाग नहीं लगाना है, आगे हम लोग टाइप्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जाना यूनिट वेक्टर माने जिसका मैग्नीट्यूड 1, अगर फोर्स 1 न्यूटन का है तो वो यूनिट वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है वो यूनिट वेक्टर हो गया। बस 1 समझना, क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। कह रहा है कि दो यूनिट वेक्टर को ऐड किए और जो रिजल्टेंट मिला वो भी यूनिट वेक्टर मिला। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, है ना, उसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बतलाओ, मतलब ए माइनस बी बतलाओ। चलो कैसे बनाए सोचा जाए। कह रहा क्वेश्चन में कि दो वेक्टर ए और बी है, इसको जब हम ऐड किए तो जो मुझे मिला वो भी यूनिट वेक्टर, ये तीनों यूनिट वेक्टर है। देखो तुम्हारे पास दो तरीका है, एक तो तुम फॉर्मूला से काम किए और एक तुम कॉमन सेंस से काम किए। चलो हम दोनों काम कर देते हैं। अभी समझो तुमको फर्स्ट मेथड बता रहा है। देखो कभी भी न्यूमेरिकल ट्राई करना ना तो सोचना कैसे, पहले ये सोचना मुझे निकालना क्या है। तो निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, यानी ए माइनस बी निकालना है ना। और अभी पढ़े हो कि ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड होता अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ए तो तुमको मालूम है 1, बी भी मालूम है 1, क्योंकि वो क्वेश्चन ही कह दिया है। ए और बी के बीच का एंगल केवल मालूम हो जाए तो बतलाओ ए माइनस बी बता दोगे कि नहीं। यानी कि तुम्हारे माइंड में ये बात आना चाहिए कि ए और बी के बीच का एंगल क्या है कि नहीं, ये केवल पता हो जाए काम तुरंत हो जाएगा, ठीक। तो कैसे पता करेंगे समझना इसको। बोलेंगे कि
कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, दो वेक्टर को जब तुम ऐड करते हो जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला क्या पढ़े हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। क्वेश्चन के अनुसार आर जो है यूनिट वेक्टर है वन, ए भी वन है बी भी वन है, टू वन इंटू वन कॉस थीटा, चलो इसको स्क्वायर कर दो, वन 2 प्लस टू कॉस थीटा, देखो 1 माइनस टू माइनस वन, टू कॉस थीटा है ना, देखो तो क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया माइनस वन बाई टू, यानी थीटा कितना हो गया जी? बोलो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, माइनस वन बाई टू। चलो काम तो आसान हो गया, अब क्या हमको ए और बी के बीच का एंगल मालूम हो गया और अब हमको ए माइनस बी निकालना है तो उसका फॉर्मूला में माइनस टू ए बी कॉस थीटा होता है, वो आसानी से कर लेंगे। लेकिन देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग और आसान कर सकते थे, कैसे, ए में बी को ऐड किए मिला आर, और तीनों इक्वल है, तीनों वन 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 है, तो देखो तो तुम चाहते तो ऐसे ही बना सकते थे ना, ए में ऐड किए बी को मिल गया आर, तीनों इक्वल है इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जाहिर है ये एंगल 60 होगा। लेकिन याद करो पहले के क्लास में तुम पढ़े हुए हो कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना हो तो दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए, तो सोचो ए का हेड यहाँ है बी का टेल यहाँ है, तो हम ए को आगे एक्सटेंड कर दें बतलाओ तो ये बीच का एंगल हो गया, और बोलो बीच का एंगल कितना होगा, 120। तो देखो ये इतना ही में ना काम हो जाता जो हम लोग इतना मेहनत के इतना टाइम लिए, तो इसको ख्याल रखना है, डायग्राम तुम्हारे माइंड में बने ना वो ज़्यादा बेहतर है। अब चलो अब हमको निकालना क्या है, तो निकालना है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, और हम लोग इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। सोचो ए के जगह वन, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है यूनिट वेक्टर है वन, टू वन इंटू वन कॉस थीटा, बोलो इसका तो वैल्यू मुझे सॉल्व करना है, देखो तो कितना आया जी, थीटा के जगह क्या लिख दें, बोलो थीटा के जगह 120 डिग्री, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 और कॉस 120 क्या होता है माइनस 1 बाई 2, देखो 2 2 कैंसिल, ये रूट 3 हो गया क्या है ना, तो देखो हम डिफरेंस का तुमको यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का दो एप्लीकेशन करा दिए हैं। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। अब देखो अभी तक तुम लोग जो पढ़े वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़े, मोर देन टू वेक्टर्स नहीं पढ़े हो, अभी दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने के लिए तुमको हम नहीं सिखाए है ना। देखो वेक्टर जो है बहुत अच्छे से जानोगे तो फिजिक्स का लगभग हर चैप्टर में वेक्टर का यूज होता है, इसीलिए तुमको हम बहुत फास्ट नहीं बता रहे, आराम से बता रहे हैं जिससे कि तुम्हारा जो है पूरा कमांड उस पर होते जाए है ना, प्रॉब्लम बनाते जाना, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिखते जाना कि किस क्वेश्चन में तुमको दिक्कत है। हालांकि तुम लोगों को हम बतलाएंगे, जैसे देखो तुम लोग अभी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बना रहे होगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव टू और एक्सरसाइज भी है, लेकिन क्या है कि अभी तुम अगर डायरेक्ट बिना थियोरेटिकल पूरा कंसेप्ट का डायरेक्ट ट्राई करोगे तो कुछ क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट के मिलेगा, कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के मिलेगा है ना, कोई कोई जो क्वेश्चन मिलेगा मोर देन टू वेक्टर्स के एडिशन का मिल जाएगा तो फिर कंफ्यूजन होगा ना। अच्छा चलो कुछ कंसेप्चुअल बात करते हैं। अगर तुमसे कोई कहा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, पहले भी चर्चा की है, चलो दिमाग में कुछ आया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो कोई कहा हाँ मेरा तो दिमाग में आया,
ए में ऐड किए बी को, बी में ऐड किए सी को, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। कोई कहा लेकिन सर मेरे दिमाग में तो ऐसा फिगर आ गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, किसका फिगर सही है? बोलेंगे सब सही है, इसमें क्या है, कुछ नया थोड़े है। मतलब तीनों को इस तरह से ऐड करना है, जहां से स्टार्ट करो वहीं पहुंच जाओ, यानी एक ट्रायंगल तो बना ना। अब चलो इसी क्वेश्चन में तुमसे आगे कह दिया एंड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, समझना व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो जी जैसे ही ये लिखा ना वैसे ही तुमको ये दोनों फिगर गलत लगने लगा कि नहीं? यहां तक सही था ये दोनों फिगर, लेकिन ये कह रहा नहीं तीनों इक्वल होना चाहिए, यानी ऐसा तो फिगर हो नहीं सकता, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। यानी देखो जी ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी है ना, देखना अब तीनों इक्वल है तो जाहिर है एंगल 60-60 होगा। देखो जल्दीबाजी में तुम क्या बोल देते हो, जल्दी में बोल देते हो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा 60 डिग्री। बिल्कुल नहीं, 60 डिग्री बताए थे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना है तो पहले दोनों के टेल को एक जगह ला, तो देखो यहां बी का टेल ए का हेड है तो इसको आगे एक्सटेंड कर दो, है ना, ये हो गया। अब चलो तुम लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, क्वेश्चन लिखेंगे तुम भी क्या करना पॉज करके उस क्वेश्चन का लिख करके और प्रैक्टिस करना, हम तो बतलाएंगे थोड़ा जल्दी में ही, तुम जल्दी नहीं इसको करना, तुम अपने से पहले एक बार बना लेना सॉल्यूशन, डायरेक्ट मत देखना। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ, देखो रिजल्टेंट वर्ड जब भी यूज किया जाए तो समझना ए प्लस बी, ए माइनस बी बोलना होगा तो उनको डिफरेंस बोलना पड़ेगा, चाहे सब्ट्रैक्शन बोलना पड़ेगा या ए माइनस बी डायरेक्ट बोलना पड़ेगा, रिजल्टेंट मतलब हमेशा एडिशन। देखो क्वेश्चन क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, समझ लो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। आगे कह रहा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3 units, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 4 units, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक ना, ये क्वेश्चन तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है ना। अभी क्या है कि हम तो सोल्यूशन अभी बताएंगे लेकिन तुम इसको रोक करके और थोड़ा सा अपने से ट्राई करो। अब चलो तुम में से कुछ स्टूडेंट के बीच चल रहा होगा ये क्या आप क्वेश्चन दिए, ये कोई ट्राई करने लायक क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन दिए। अब देखो तुम में से कुछ बनाया कैसे होगा, तुम ऐसे बना दिया उस क्या पूछे हैं रिजल्टेंट, अच्छा रिजल्टेंट पूछे हैं तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, ये बिल्कुल सही है। चलो ए के जगह क्या लिख देते हैं 3, बी के जगह लिख देते हैं 4, 2 3 × 4 और थीटा कितना भाई फिर ना बोले हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो आंसर आ गया 5। नहीं लेकिन ये बिल्कुल गलत हुआ, ये अगर तुम यहां पहुंचे हो तो बिल्कुल गलत है। देखो एक हम लोगों की आदत है, हम लोग क्वेश्चन को बहुत ढंग से नहीं पढ़ते, और तुम ही सोचो जब कोई समस्या को समझेगा ही नहीं तो उसका समाधान बेहतर निकाल सकता है क्या? इसीलिए हमेशा याद रखना जो बेहतर डॉक्टर होता है वो इलाज बेहतर नहीं करता, डायग्नोसिस बेहतर करता है।
क्योंकि देखो डायग्नोसिस हो जाएगा कि तुमको कौन सा बीमारी है, तो उसका तो इलाज लगभग सब डॉक्टर जानता ही है। दिक्कत ये होता है कि वो समझ पाए कि नहीं कि इसको कौन कौन सा डिजीजेज हैं, हमको किस किस तरह से उसको इलाज करना। इसलिए डायग्नोसिस यानी न्यूमेरिकल में तुम अगर बात करो तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही तुम्हारे लिए मेन मायने रखता है, ठीक ना। एक बात कहा जाता है कि हमेशा क्वेश्चन में ही आंसर होता है, यानी कि क्वेश्चन को बहुत परफेक्ट वे से तुम अगर एक्सप्लेन कर लोगे, समझ लोगे, तो बहुत काम हो जाता है। चलो आओ, क्या गलती हो गया। कह रहा है क्वेश्चन में कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, मान लो रिजल्टेंट आर है, देखना ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा आर जो है वो ए के परपेंडिकुलर है, वो ये नहीं कह रहा ए और बी परपेंडिकुलर है। ए और बी परपेंडिकुलर होता तब ना थीटा 90 लिखते। बोलो थीटा जो है 90 कब लिखा जाता है, तुम्हारा जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, उसमें थीटा है क्या? एंगल बिटवीन ए एंड बी ना, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या दिया हुआ 90 डिग्री? बिल्कुल नहीं। वो तो कह रहा आर इज परपेंडिकुलर टू ए। अब चलो, अब तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया भाई, कि आप तो ए और बी के बीच वाला बात करते थे, अब आर और ए वाला काहे बात कर लिए। कोई बात नहीं, देखो दो मेथड हमारे पास, एक तो मेरा फॉर्मूला का मेथड होता है और एक मेरे पास कंसेप्चुअल मेथड होता है, जो डायग्राम हम बना के सोचते हैं। ए में बी को जोड़ो, ठीक है। चलो एक फर्स्ट मेथड यहां हम डील कर रहे हैं। क्या कह रहा है, ए में बी को ऐड करो, आर मिलना चाहिए। तो एक स्टूडेंट कहा कि अच्छा ठीक है, ए भी तो है, देखो ये है और ए में हम बी को ऐड किए और देखो आर मिल गया, क्या ये गलत है? तो बोलेंगे कि देखो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये गलत नहीं है, ए में ऐड किए बी को मिल गया आर, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आर और ए के बीच का एंगल क्या 90 है? क्वेश्चन तो कह रहा कि ये 90 होना चाहिए, यानी कि ये फिगर तो गलत हो गया ना। यहां तक ये फिगर सही था लेकिन अगला जो कंडीशन है उसको फिलफिल नहीं कर रहा है। तो थोड़ा बढ़िया सोचना, ये है वेक्टर ए और आर जो है वो परपेंडिकुलर है ना, आर परपेंडिकुलर है। चलो ये हो गया बी, देख लो ध्यान से, ए में ऐड किए बी को मिल गया आर, और देखो तो आर परपेंडिकुलर है क्या, है ना, तो ये तो डायग्राम सही हो गया। और अब सोचो क्वेश्चन में दिया हुआ ये 3 ये 4, कह रहा आर बतलाओ क्या होगा, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ, परपेंडिकुलर पूछ रहा है। बोलो तो आर का वैल्यू डायरेक्ट निकालोगे ना, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस वे 4a² - 3a², देखो तो √7 हुआ क्या, जबकि तुम्हारा आंसर तो √5 आ गया था, है ना। चलो इसको एक और मेथड बताएंगे, तत्काल इसको लिख लो। चलो अब सेकंड मेथड देखना, देखो सेकंड मेथड जो है वो फिर से हम लोग आ जाते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पे। ये कह क्या रहा है कि भाई ए में बी को ऐड किए मिला, क्वेश्चन कह रहा है रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है। हालांकि वो जो मेथड तुम सीखा ना ये बेस्ट मेथड है और हमेशा ऐसे ही ट्राई करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुमको बता रहे हैं कि अगर तुम्हें फॉर्मूला भी याद हो तो उससे भी ये बनेगा। जैसे याद करो जब तुम स्टार्ट में एडिशन पढ़ा था, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मान लिए दोनों के बीच का एंगल थीटा है, चलो बी को यहाँ हम ले करके आए, है ना, शिफ्ट किए,
और इसको हम लोग क्या बोल दिए थे, आर, ए प्लस बी बोले थे, याद करो इसको अल्फा बोले थे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आर इज परपेंडिकुलर टू ए, ठीक ना, याद रखना परपेंडिकुलर का ये सिंबल है, परपेंडिकुलर टू ए। काम कैसे करें जी, अल्फा 90 होना चाहिए तो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, टेन अल्फा इजकल टू क्या पढ़ा था, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा पढ़ा था ना। बोलो क्वेश्चन के अनुसार अल्फा कितना है, 90, क्योंकि आर परपेंडिकुलर है तो अल्फा के जगह 90 रख दो। बी कितना है, तो बी क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 यूनिट है, तो चलो बी के जगह 4 लिख देते हैं, 3 ए के जगह 3 प्लस 4 कॉस थीटा। देखो तो जो टेन 90 है उसको हम लोग साइन 90 बाई कॉस 90 यानी हम लोग 1/0 लिख सकते हैं क्या, 1/0 लिख दिए और ये हो गया 4 साइन थीटा 3 प्लस 4 कॉस थीटा। देखो तो 3 प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इस 3 को उधर लेकर के चले जाओ, 4 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा कितना, माइनस 3/4 है ना। चलो जी कॉस थीटा मुझे मालूम हो गया, लेकिन निकालना क्या है, निकालना मुझे रिजल्टेंट है आर का वैल्यू। बोलेंगे चलो बढ़िया तो है, आर का वैल्यू निकालना है तो जानते हो ना कि आर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बस वैल्यू रख दो, आर मालूम है ही 3 है ना, ए मालूम है ही 3, बी मालूम है 4 प्लस 2 3 × 4। अब बोलो कॉस थीटा क्या लिख दें जी, तो -3/4। अब बतला दो ये क्या आएगा, 4 कैंसिल हो गया, ये -18 हो गया, देखो 25 - 18 देख लो तो वही आंसर √7 आया ना। बताओ तो ये भी तो एक मेथड है, लेकिन अगर ऐसे तुम बनाते हो तो बेस्ट मेथड ना हुआ, बहुत आसानी से ना बनेगा, ठीक है। तो देखो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोशिश किए, जितना भी टाइप हो उसको बता दिए, आगे हम लोग सीखते हैं मोर देन टू वेक्टर्स को। तो देखो हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ लिए हैं, उस पर बेस्ट प्रॉब्लम भी बना लिए हैं। हाँ देखो तुमको जो हम कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक रेफर किए हैं उस बुक में इस पर बेस्ट बहुत सारा क्वेश्चन है नहीं, इसलिए एडिशनल और भी बुक जो वेक्टर का एडिशन वगैरह का हो उसको ट्राई कर सकते हो, वैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन तुमको बाद में देंगे भी, लेकिन अगले क्लास में जब तुमको सिखाएंगे तो उसमें हम टाइप्स ऑफ वेक्टर को सिखाएंगे और मोर देन टू वेक्टर्स जो है उसको कैसे ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, अभी केवल 2 वेक्टर का सीखे हो वो अगले दिन सिखाएंगे, आज हम लोग इतना ही सीखते हैं। थैंक यू।